हेलो दोस्तों, आज का जो यह वीडियो है बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि आज का वीडियो एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक पर लाया हूँ। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं विद्या मंदिर का जो एचआरटी टेस्ट होता है दोस्तों, वैसे स्टूडेंट जो कि विद्या मंदिर में ऑलरेडी इनरोल्ड हैं उनको हर मंथ एचआरटी टेस्ट होता है। तो आप लोग ये देख सकते हैं, ये क्लास 9th में हुआ था हम लोग का एचआरटी टेस्ट। और एचआरटी टेस्ट ये वन है, एचआरटी का फुल फॉर्म दोस्तों होता है हावर रिव्यू टेस्ट। एंड यहाँ पर देख सकते हैं ये 4 इयर्स क्लासरूम कोर्स का था 2024। और जो ये टेस्ट हुआ था दोस्तों हम लोग का 13 अगस्त 2020 को हुआ था। एंड यहाँ पर देख सकते हैं जो मैक्सिमम मार्क्स है 320 है। तो आज हम लोग इसका रिव्यू करेंगे, इसका सारा क्वेश्चंस देखेंगे, और अगर आप लोग चाहें तो इसे घर पर बना भी सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, जो ये टेस्ट था दोस्तों 3 आवर्स का था, जो इसका ड्यूरेशन था टेस्ट का 3 आवर्स था। और इसमें टोटल 80 क्वेश्चंस थे, और सेक्शन ए एंड सेक्शन टू था इसमें दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हैं सेक्शन ए एंड सेक्शन बी भी था। सेक्शन ए आपका एनसीईआरटी था, एंड सेक्शन बी जो था वो फाउंडेशन था। तो यहाँ पर टोटल 4 सब्जेक्ट्स आए थे। यहाँ पर देख सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स। एंड यहाँ पर जो आपका मार्किंग सिस्टम है वो यहाँ पर 4 मार्क्स दिया गया है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चंस करेक्ट होता है तो 4 मार्क्स, और बाय चांस मान लीजिए गलत हो गया तो यहाँ पर देख सकते हैं -1 मार्क्स, मतलब यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी होता है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सेक्शन ए एनसीईआरटी, एंड यहाँ पर जो सबसे फर्स्ट सब्जेक्ट है फिजिक्स है, टोटल 32 मार्क्स का है। सेक्शन ए में जो फिजिक्स है टोटल 32 मार्क्स का, एंड सेक्शन बी मतलब फाउंडेशन में भी जो फिजिक्स था वो सेक्शन 32 मार्क्स का ही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5th आप लोग के स्क्रीन पर। अगर आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड इसे घर पर बनाने का प्रयास भी कर सकते हैं। और जो इसका आंसर की है दोस्तों मैं इस वीडियो के लास्ट में दे दूंगा। तो यहां पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6th, 7th एंड 8th। यहां से आप लोग का यहां पर दोस्तों देख सकते हैं सब्जेक्ट, सेकंड सब्जेक्ट स्टार्ट होता है जो कि है आपका केमिस्ट्री, एंड ये भी 32 मार्क्स का है। फिजिक्स की तरह 32 मार्क्स इसमें भी आप लोग को मिलेंगे। और आप लोग के स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। दोस्तों ये तो आपका सेक्शन ए है, मतलब ये बहुत ही इजी रहेगा, मतलब बहुत ही तो नहीं तब पर भी दोस्तों इजी ही रहेगा, लेकिन जो फाउंडेशन आएगा उसमें तो बैंड बज जाता है। आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16। यहां से आप लोग का थर्ड सब्जेक्ट स्टार्ट होता है जो कि आपका है बायोलॉजी, एंड ये भी 32 मार्क्स का है। एंड यहां पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20, 21 एंड 22 आप लोग की स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 23 एंड 24 भी। यहां से आप लोग का स्टार्ट होता है सब्जेक्ट 4th, एंड जो कि है आप लोग का मैथमेटिक्स। ये दोस्तों कुछ ज्यादा मार्क्स का है, यहाँ पर देख सकते हैं 64 मार्क्स। और जो मैथ होता है दोस्तों हम लोग का एचआरटी में, वो कुछ उसका जो लेवल है वो बहुत हार्ड होता है। एंड यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 25, 26 एंड 27। अगर आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड इसे घर पर प्लीज बनाने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 28, 29 आप लोग देख सकते हैं विथ ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 30, 31,
32, 33 एंड 34। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 38, 39 देख सकते हैं एंड 40 भी। एंड यहाँ से हमारा फाइनली सेक्शन बी स्टार्ट होता है। तो आप लोग यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं सेक्शन बी फाउंडेशन, सब्जेक्ट वन में है फिजिक्स। ये भी यहाँ पर जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया 32 मार्क्स का होता है फिजिक्स सेक्शन बी में भी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 32 मार्क्स का फिजिक्स। और ये रहा आप लोग का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, 42, 43 एंड ये रहा क्वेश्चन नंबर 44 एंड 45। क्वेश्चन नंबर 46, 47, 48 यहाँ से दोस्तों आप लोगों का चैलेंजिंग क्वेश्चन स्टार्ट होता है फाउंडेशन लेवल में। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सेक्शन सब्जेक्ट सेकंड जो कि आपका केमिस्ट्री एंड ये भी यहाँ पर 32 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 49, 50 एंड 51 आप लोग की स्क्रीन पर, 51 का दोस्तों ये रहा आप लोग की स्क्रीन पर उसका ऑप्शन। एंड क्वेश्चन नंबर 52, 53 एंड 54 क्वेश्चन नंबर 55 एंड 56 दोस्तों यहां से आपका थर्ड सब्जेक्ट स्टार्ट होता है जो कि है बायोलॉजी। एंड यहां से देख सकते हैं 32 मार्क्स का है ये भी। क्वेश्चन नंबर 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 एंड 64 आप लोग के स्क्रीन पर। एंड अगर आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहां से आप लोग का सब्जेक्ट फोर्थ स्टार्ट होता है जो कि आपका मैथ्स एंड ये 64 मार्क्स का है देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, 66, 67 एंड 68 जिन स्टूडेंट्स को दोस्तों विद्या मंदिर का लेवल जानना है इस एचआरटी टेस्ट से आप लोग लेवल का अंदाजा लगा सकते हैं। वैसे मैं एक दो मॉड्यूल्स का भी रिव्यू करने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 69 एंड 70 भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, 72, 73 पहले दोस्तों आप लोग क्वेश्चन नंबर 71 एंड 72 देखिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 73 का विथ ऑप्शंस, क्वेश्चन नंबर 74 एंड 75, क्वेश्चन नंबर 76 एंड 77, क्वेश्चन नंबर 78 एंड 79 एंड लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 80। तो दोस्तों यहां पर आप लोग देख सकते हैं जो आपका आवर आवर रिव्यू टेस्ट था मतलब एचआरटी वो यहां पर एंड होता है। एंड दोस्तों अगर इसका आप लोग बात करें सॉल्यूशन का तो यहां पर आपका सॉल्यूशन है देख सकते हैं। यहां से आप लोग अपना सॉल्यूशन मैच कर सकते हैं कि आप लोग का कितना सही हुआ या कितना गलत। तो ये रहा केमिस्ट्री का सॉल्यूशन एंड बायोलॉजी का, मैथमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 33 से लेकर 35 तक का आंसर आप लोग के स्क्रीन पर एंड क्वेश्चन नंबर 36 से लेकर 39 तक का आंसर आप लोग के स्क्रीन पर। यहां से सेक्शन बी का आंसर के
दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम पर शेयर करूं तो वहां भी मैं शेयर कर दूंगा। आप लोग अगर चाहते हैं इस पीडीएफ को पाना तो वहां पर सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को भी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।